हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम पीएचडी एडमिशन में डिस्कस करने वाले हैं एनआईटी सूरत कल के पीएचडी एडमिशंस के बारे में। यहाँ पर काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें पीएचडी एडमिशन अवेलेबल है और ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी लास्ट डेट और इसकी सारी डिटेल्स। तो लास्ट डेट है इसकी 15th of July एंड सारी डिटेल्स के लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा thedynamicstudy.com पे, और उसके बाद आपको क्लिक करना होगा पीएचडी एडमिशन पे। पीएचडी एडमिशन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंड नोटिफिकेशन एनआईटी सूरत कल की है। ये जो आपका इंस्टीट्यूट है ये कर्नाटक में है और यहाँ पर काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज इन्होंने सब्जेक्ट्स को मेंशन किया है, जिसमें आपका वाटर रिसोर्सेज है, उसके अलावा इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, फिर इसके बाद आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और उसके साथ साथ मैनेजमेंट भी दिया हुआ है एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी इन्होंने मेंशन किया है। अगर हम कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है इसकी 15th of July। सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग एलिजिबिलिटी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी यहाँ पर मैंशन की हुई है। तो एटलीस्ट आपका 6 CGPA होना चाहिए, 6 आपका, या फिर आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। अप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 500 है एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 150 है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है पीएचडी के लिए वो गेट है या फिर कोई भी नेशनल लेवल का एग्जाम है। सारी डिटेल्स के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। तो ये बुलेटिन है ऑफिशियल वेबसाइट से जहाँ पर सारी डिटेल्स इन्होंने मेंशन की है। थैंक यू सो मच।